आरबीआई ने जांच की नई गाइडलाइंस। बैंकों में खुलने वाले डिजिटल बैंकों यूनिट्स में मिलने वाली सेवाओं के खाते खोलना, कैश विड्रॉल और डिपॉजिट, केवाईसी अपडेट, लोन और शिकायत रजिस्ट्रेशन जैसी सर्विसेज शामिल। 3 करोड़ से ज्यादा पक्के घरों का निर्माण पूरा। पीएम आवास योजना के तहत अब तक गरीबों के लिए 2.52 करोड़ पक्के घरों का निर्माण हो चुका है। पीएम ने कहा, महिला सशक्तिकरण का प्रतीक। चाचा शिवपाल यादव की नाराजगी पर अखिलेश यादव ने दिया बयान, अगर साथ रहना चाहते हैं तो रहे, अगर साथ छोड़कर जाना है तो जाएं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति होती जा रही है बद से बदतर, मुझे संदेह है कि आने वाले दिनों में राज्य वेतन दे पाने में भी होंगे सक्षम। साथ ही दीदी ने कहा, केंद्र को निश्चित रूप से राज्यों को निलंबित जीएसटी का करना चाहिए बकाया भुगतान। अमेरिका कर रहा है रूस के G20 फोरम को हटाने की पूरी कोशिश, लेकिन रूस की G20 से बाहर करना नहीं होगा आसान। 2023 में भारत होगा फोरम का अध्यक्ष। कोरोना के मामलों में राहत मिलने के बाद देश में दोबारा कोरोना माहौल की दहशत। कोरोना का नया वेरिएंट XI ओमिक्रॉन से ज्यादा तेजी से फैलता है, लेकिन जानलेवा नहीं। भारत में इसका एक मामला अब तक सामने आया। आंध्र प्रदेश सरकार ने मुस्लिम समुदाय को दी बड़ी राहत, कहा कि रमजान के महीने में ऑफिस से जल्दी निकल सकेंगे मुस्लिम कर्मचारी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पकड़े गए JNB के 4 आतंकियों का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन, NIA करेगी अब मामले की जांच। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, कहा कि रामनवमी से पहले राजस्थान के कई जिलों में धारा 144 लागू करने का फरमान। आयोजन के दौरान धार्मिक चिन्ह वाले झंडों को नहीं लगाने की दी गई सलाह।